ये पूरे बाइक के एग्जॉस्ट है ना, लाइट बताओ ना, लाइट एक से एक यार, कोई भी बाइक पे लगता है क्या? सही है। अरे तो वो साउंड चेंज हो जाता है ना पूरा, पूरा साउंड लाइट्स वगैरह, एलईडी, हेलमेट वगैरह भी है यहाँ पर। गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है ये, सुपर मार्केट आप कह सकते हो, जहाँ पर आपको ए टू जेड सारे सामान, सेकेंड हैंड हो, न्यू हो, ओरिजिनल हो या कॉपी हो, सारे सामान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक नया दिन है, एक नया ब्लॉग है। आज एक्चुअली मेरा प्लान है कि आज कुर्ला मार्केट जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें बाइक की सीट कवर डलाई थी हमने, और बाइक की सीट कवर डलाने के बाद में बाइक तो बहुत खटारा लग रही है, सिर्फ सीट ही सीट उठ कर आ रही है। आज जाएंगे हम और बाइक का जो सामान है, जैसे बाइक का जो काउल वगैरह है, पीछे का लाइट है और टेल है, और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो टूट चुकी है और जो मैं जानबूझकर बनाना नहीं चाह रहा था, बिकॉज़ जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पर बहुत रिस्की हो जाता है, पार्किंग का बहुत मसला है यहाँ पर वर्सावा गांव में। तो इसके कारण मैं क्या बाइक को ऑलरेडी मैं ऐसे ही खटारा टाइप रख रहा था, क्योंकि अगर बाइक खटारा दिखेगी ना तो लोग थोड़ा दूर रहेंगे उस हिसाब से, बट कितने दिन तक कैसे रखेंगे ना बाइक को, तो अपने को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आज फाइनली जाके थोड़ा सामान वामान उठाऊँगा वहाँ से, बाइक का सामान लेके। पिछले दो दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी और ये प्लान मेरा पहले ही था जाने का, लेकिन पोस्टपोन होते होते आज आया, क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ़ है आप देख सकते हो। तो क्योंकि आज मौसम थोड़ा साफ़ है इसलिए मैंने आज प्लान किया है जाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और तो आज के इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं कुर्ला मार्केट, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए भाई, हम लोग आ चुके हैं कुर्ला की सबसे बड़ी व्हीकल मार्केट में। बाइक, कार से लेके हर एक चीज़, मतलब जितने भी मोटरसाइकिल या व्हीकल है, गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है ये, सुपर मार्केट आप कह सकते हो, जहाँ पर आपको ए टू जेड सारे सामान, सेकेंड हैंड हो, न्यू हो, ओरिजिनल हो या कॉपी हो, सारे सामान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आज है डे टू, क्योंकि कल सैटरडे को मैं आ नहीं पाया, बिकॉज बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी और अंधेरे में ठीक से ब्लॉग भी नहीं बनता, और ऊपर से मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मेरे कमिटमेंट्स थे आगे भी, और मुझे कट टू कट टाइम में यहाँ पर नहीं आना था, बिकॉज अगर यहाँ आना है तो अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर रहा है, उसके हिसाब से मैं आज आया हूँ संडे के दिन। और संडे के दिन बहुत ही अच्छी मार्केट लगी, आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से शॉप्स होते हैं यहाँ पर, सेकेंड हैंड से लेके ओरिजिनल पार्ट, आपको चाहे इंजन हो, चाहे इंजन का पार्ट हो या हॉर्न हो, या फिर चाहे आपकी बाइक का या कार का जो भी पार्ट है, बम्पर से लेके या जो भी है टायर से लेके, हर एक चीज़ इस मार्केट में मिल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकविल्स टंगे हुए हैं, ये देखिए, जैसे ये आपका क्या शॉप है भाई? ओके, इनोवा का पूरा सामान मिलता है। अरे वाह क्या बात है, तो ये भाई की दुकान है, क्या नाम है भाई आपका? अहमद आटो, मेरा नाम रहमान है, मेरा कोड है। ओके ठीक है, मैं इनका दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से काफ़ी सारे शॉप हैं यहाँ पर, जैसे ये भाई का, रहमान भाई का शॉप है अहमद ऑटो पार्ट्स करके, कुर्ला के एकदम एंट्रेंस पे ही, आप जैसे आते हो ना हाईवे के ब्रिज के नीचे, ये तो इनोवा से रिलेटेड जितने भी बोल्ट, जितने भी पार्ट्स हैं इनोवा से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो गैरेज भी है यहाँ पर, जहाँ पर अगर आप कोई भी पार्ट्स लेते हो और आपको फिटिंग करवानी है, ये पूरी लाइटिंग है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप भाई का शॉप, यहाँ पर सारे लाइट्स। लाइट से लेके हर एक चीज़ यहाँ पर, ब्लूटूथ स्पीकर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यहाँ पर टर्नर का काम है ना यहाँ पर, टर्निंग का काम होता है यहाँ पर, जैसे सस्पेंशन वगैरह है बन रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कार के सस्पेंशन है भाई, कार बाइक सब ना, बाइक का नहीं, कार का फोर व्हीलर के यहाँ पर सस्पेंशन बनते हैं, जैसे ये बैंड हो गया ना पूरा, बैंड नहीं हो गया या इतना है, बॉल जॉइंट। अच्छा 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 ठीक है, तो यहाँ पर रिपेयर भी होता है, नया नहीं ना, रिपेयरिंग। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी आइए एक और शॉप दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ से हमने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेस की हुई है। ये एक शॉप है, यहाँ पर आपको लाइट, बाइक की एक्सेसरीज के लिए,
मिलेगा यहाँ पर आपको बाइक की जितनी भी एक्सेसरीज है। भाई बाइक की एक्सेसरीज है ना खाली अपने पास, लाइट वाइट हो गया, मिरर हो गया, एवरीथिंग यू कैन गेट इट ओवर हियर। कार का भी सामान आप देख सकते हो, फैन वगैरह देख सकते हो, रेडियम स्पीकर्स बाइक के आपके जितने भी स्पीकर होते हैं। क्या नाम है भाई आपका? महिंदर भाई। महिंदर भाई की दुकान नहीं है, रेडियम बना के भी देते हो ना आप? जैसा बना के चाहिए कस्टमाइज करके देते हो, जैसा स्टिकर चाहिए वैसा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर एक BMW का लोगो वाला स्टिकर भी लगा हुआ है, पल्सर वगैरह, तो सारे स्टिकर रिलेटेड, KTM वगैरह का पूरा। बाइक को आप स्टिकर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो आप करवा सकते हो। यस, क्या नाम है भाई शॉप का? सौरव रेडियम आर्ट। सौरव रेडियम आर्ट। सौरव रेडियम आर्ट, ओके थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक पूरा बाइक, वैसे अगर हम देखने जाएंगे तो हर एक शॉप में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं आपको खाली एक बाइक जो मार्केट है, ये पूरा जो मार्केट है उसका एक राउंड दिखा देता हूँ पहले, कैसा ये मार्केट दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड हैंड सस्पेंशन वगैरह है, ओरिजिनल डुप्लीकेट सब मिल जाएगा आपको, जैसे चाहिए वैसे। मिरर, हॉर्न, ये सारे आइटम, साइलेंसर, मिरर, हॉर्न। भाई पोज मारते हुए इधर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा एंट्रेंस करने के बाद में ये पूरा मार्केट है। ये पूरा हॉर्न का यहाँ पर आप देख सकते हो, फोर व्हीलर टू व्हीलर सब हॉर्न है। हॉर्न और क्या है, साइलेंसर, साइलेंसर है, लाइट है। आपने दुकान वायरल है, क्या बात है, हेलमेट वगैरह भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपकी शॉप का? जयन बाइक पॉइंट। जयन बाइक पॉइंट, जयन बाइक पॉइंट। मेरा भी यूट्यूब पे भाई, मतलब क्या नाम है? प्रिंस मंस। प्रिंस मंस, MN3 भाई, क्लियरली बोलो एक। प्रिंस मंस, ये भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे और ये दुकान इनकी वायरल है। ये पूरे बाइक के एग्जॉस्ट है ना, लाइट बताओ ना, लाइट एक से एक यार, कोई भी बाइक पे लगता है क्या? कोई भी बाइक पे लग जाता है, सही है। अरे तो वो साउंड चेंज हो जाता है ना पूरा, पूरा साउंड, लाइट वगैरह, LED, हेलमेट वगैरह भी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक फटाफट राउंड ले लेते हैं। भाई यहाँ पर गैरेज भी है, मैकेनिक्स भी है, अगर आप कोई भी बाइक के पार्ट्स अगर आप रिपेयर भी करवाना चाहते हो तो यहाँ पर करवा सकते हो। बहुत बड़ा मार्केट है ये, और अभी आगे मैं आपको एक फाइनल लुक दिखा देता हूँ मार्केट का, फटाफट एक राउंड मार के कवर कर लेते हैं। अक्षय भाई की दुकान है यहाँ पर, सही है। नंबर बोल दो आपका, हाँ ऊपर देखो बोर्ड लगाओ। यस, ये स्कूटी और एप्रिला वगैरह के यहाँ पर पार्ट्स अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायर में भी आपको यहाँ पर नए और नक्शी कट टायर, भाई नए टायर प्लस रीयूज टायर भी मिल जाएंगे ना? सेकेंड, ओनली सेकेंड है, नए जैसे लग रहे यार ये तो एकदम, सही है। ये भाई के पास टायर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो टायर का क्वालिटी। मेरे को तो लगा ये नए टायर लगे हैं यहाँ पर, बट ये सेकेंड हैंड टायर है। तो अगर आपको टायर्स चाहिए, बाइक के है या कार के भी है? खाली टू व्हीलर, खाली टू व्हीलर ना, खाली टू व्हीलर के टायर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर तरह के टायर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? अशरफ। अशरफ भाई की दुकान है यहाँ पर कुरला में, अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हो हर तरह के टायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ना भाई, पूरा मार्केट है यहाँ पर अंदर, और मार्केट में जब आप अंदर जाते हो ना तो काफ़ी सारे एजेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप डायरेक्ट शॉप पे जाएं। जैसे कि मैं ये शॉप पे गया था, आर्यन ऑटो पार्ट्स, मैंने पार्ट्स ख़रीद भी लिया है ऑलरेडी। तो भाई फाइनली अपना जो पीछे का काउल है, जो मेरी बाइक का जो आइटम है पीछे का काउल और मडगार्ड मिल गया है मुझे, काफ़ी कम रेट में मिल गया है, क्योंकि यही दुकान है जहाँ पर सारी चीज़ें ओरिजिनल मिलती है।
और मैं यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार इंक्वायरी करके गया था, लेकिन उस टाइम पे अपना बजट थोड़ा टाइट था, उस हिसाब से मैंने नहीं ख़रीदा था। लेकिन आज तो मैं ख़रीदने के मूड से ही आया हूँ और आज तो लेके ही जाऊँगा, क्योंकि इस बार बाइक को थोड़ा सा रिफर्बिश उसकी फिनिशिंग करनी ज़रूरी है। बहुत साल से बाइक ऐसी पड़ी है, तो इस बार बाइक का रिपेयर करके उसको रेनोवेट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज आया हूँ, लेके ही जाऊँगा। पीछे की टेल लाइट, पीछे का कावल और पीछे का मडगार्ड, ये तीन आइटम इस बार मैं लेके जाने वाला हूँ। लेकिन आगे जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आगे का सस्पेंशन रॉड और आगे का जो है हेडलाइट के साथ में जो पूरा मुकुट है उसका वो भी लेना है, बट नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी फिलहाल अपना बजट जितना है उसके हिसाब से काम करेंगे। ये बाइक की दुकान है और यहाँ पर मैं आपको मिला दूंगा उनसे। अगर आपको कुरला में आते हो, अगर आपको ये दुकान पर आके अगर आप लेते हो, तो आपको एकदम जेन्युइन रेट में, कम से कम रेट में आपको यहाँ पर आइटम अवेलेबल रहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सद्दाम। ये सद्दाम भाई है, दुकान का नाम क्या है भाई? आर्यन ऑटो पार्ट्स। आर्यन ऑटो, आर्यन ऑटो पार्ट्स करके, मैं बाहर से भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये शॉप है, भाई का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा वीडियो में। तो यहाँ पर आपको बाइक के हर एक पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो काविल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो काविल हो या कुछ भी आइटम हो, आप देख सकते हो हेडलाइट से लेके टेल लाइट से लेके सारे आइटम आपको यहाँ पर एकदम अच्छे रेट में मिल जाएंगे, गारंटी के साथ। ओरिजिनल पार्ट्स भी मिल जाएंगे, डुप्लीकेट भी है क्या भाई अपना गाड़ी? नहीं नहीं, मतलब कॉपी भी मिल जाएगा, कॉपी चाहिए कॉपी मिल जाएगा, ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल मिल जाएगा। और सद्दाम भाई का नंबर भी मैं डाल दूंगा वीडियो में, तो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है आने से पहले, अगर आपको मालूम करना है कि आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, तो एक बार आप फ़ोन करके आ सकते हो यहाँ पर, भाई का नंबर भी मैं शेयर कर दूँगा। तो ये देखिए अपना पार्ट्स आ गए हैं, ये आप देख सकते हो भाई, सिर्फ राइट साइड का है, दोनों साइड का चाहिए था भाई, बाजू में। तो ये है पीछे का ओरिजिनल कावल, पूरा सेट है ये, और अगर आपको जानना है कि पार्ट ओरिजिनल है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर देखना होगा, पार्ट नंबर यहाँ पर दिया होता है, होंडा का लोगो, होंडा का नाम दिया हुआ है और पार्ट नंबर भी दिया हुआ है अंदर की तरफ, ये साइड पे भी दिया हुआ है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पार्ट आप बाय कर रहे हो वो ओरिजिनल है या नहीं। तो सद्दाम भाई की गारंटी है कि अपने पार्ट्स ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कावल होंडा और यहाँ पर दिया हुआ है उसका मॉडल नंबर। सेम वे विद द मडगार्ड ऑल्सो, मडगार्ड भी पूरा नया डालना पड़ेगा, काफ़ी डैमेज हो गया मेरे बाइक का मडगार्ड। यहाँ पर भी आप बनाते हो, ये इस तरह से ओरिजिनल जो पार्ट होगा उसमें यहाँ पर अंदर होंडा का नाम और उसका पार्ट नंबर दिया होता है, ये आपको चेक करना है। और ये टेल लाइट है अपनी, 400 का है दोनों, पूरा सेट ले लिया है पीछे का, अभी जाके ये शाम को दूंगा। ये डीम है, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, अच्छी डील मिली है मेरे को, बताऊंगा नहीं, जो भी है आप आके डायरेक्ट सद्दाम भाई से बात कर सकते हो और अपनी डील खुद उनसे कर सकते हो। ये देखिए अनदर शॉप, ये शॉप में आपने वो क्या क्या मिल जाएगा भाई अपने शॉप में? टू व्हीलर्स का, क्या नाम है आपका? सरफराज भाई की दुकान है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे ये हेलमेट्स और ये लाइट्स पूरी अट्रैक्ट की, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। तो यहाँ पर आपको टू व्हीलर से रिलेटेड हॉर्न, लाइट, LEDs, हेलमेट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू टू व्हीलर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारी एक्सेसरीज एवरीथिंग इज अवेलेबल। आरके फंकी पॉइंट से मेरे को याद आया, बैंड्रा में हम लोग पहले जाया करते थे, हिल रोड पे फंकी करके एक सा शॉप, वहाँ से हम लोग ज़्यादातर चीज़ें लेते थे, तभी बहुत सालों पुरानी बात बोल रहा हूँ, मतलब करीब 18 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी एग्जॉस्ट वगैरह है, यहाँ पर हेलमेट है,
ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो बाइक से रिलेटेड है, फोर व्हीलर, टू व्हीलर से रिलेटेड ना भाई, सब टू व्हीलर्स का आइटम है ना, टू व्हीलर्स का आइटम है ना पूरा। क्या नाम है भाई? ये फहद भाई की दुकान है, टू व्हीलर्स का इनका भी शॉप है यहाँ पर। आप देख सकते हो पूरे पार्ट्स यहाँ पर, टू व्हीलर से रिलेटेड सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो भाई, ये एक और टायर का शॉप है, आरिफ भाई की दुकान है, आरिफ भाई इनका टायर शॉप है। तो सेकेंड हैंड टायर है ना सर, बट और एकदम एकदम न्यू कंडीशन जैसे ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड हैंड टायर है यहाँ पर बाइक के, ओनली टू व्हीलर के टायर्स है ये पूरा शॉप है, और गैरेज भी है यहाँ पर, मतलब रिपेयर वर्क भी होता है यहाँ पर, स्पोर्ट्स बाइक के और नॉर्मल बाइक भी है, इंडियन भी है, स्कूटी एक्टिवा वगैरह सब सबके टू व्हीलर टायर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये अंदर गली में शॉप है, और ये अपने भाई का नाम सुफियान, सुफियान भाई है, ठीक है, चलो भाई थैंक यू। हाँ। ये है ना भाई, सीट कवर का दुकान है, सीट कवर मैंने भाई के पास से डलवाया था, मुझे याद है पिछले बारिश के पहले मैंने डलवाया था, काफ़ी अच्छे रेट में अपने को सीट कवर मिल जाए। साइलेंसर की दुकान है ना, पूरा साइलेंसर नया है कि सेकेंड हैंड? दोनों मिल जाएगा ना, सेकेंड हैंड नया साइलेंसर अगर आपको डालना है बाइक का तो यहाँ पर। ये है शॉप साइलेंसर के लिए और सीट कवर के लिए, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो अगेन बाइक के कावल, ये सारे मुकुट है। नेक्स्ट राउंड में मेरा मुकुट भी चेंज करवाना है मुझे, अंदर तो कर लो और चलते रहता हूँ भाई, क्योंकि ऐसे अगर मैं एक एक शॉप दिखाऊंगा, क्योंकि हर एक शॉप में एक्सेसरीज मिलती है, यहाँ पर दिखाने का मकसद यही है, सिर्फ इतना है कि आप जहाँ पर भी जाओगे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट शॉप में जाकर डायरेक्ट बात करें शॉप ओनर से, कोई एजेंट के थ्रू ना जाए, वरना आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल। पेटी भी लगानी है अपने को बाइक में, फिलहाल ये बाइक की पेटी वगैरह आप देख सकते हो भाई। एक मिनट ये वाली दिखा देना, ये वाली शायद लगानी है अपने को इंशाल्लाह। भाई इसका कितना आएगा? 1700। भाई इसी पेटी लगानी है अपने को भी, 1700 बोल रहे हैं भाई, देखेंगे अभी नेक्स्ट ट्रिप में जब आगे का मुकुट लेने आऊँगा ना, तभी ये पेटी का भी अपन डील करेंगे। हैंडल्स देख सकते हो आप बाइक के हैंडल्स, और मिरर वगैरह देख सकते हो, ये लगेगा अपने को पीछे, ये भी चीज़ लगने वाली है अपने को, क्योंकि इसी के ऊपर बैठता है ये चीज़, शायद अपने को लेना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो इसी तरह से ऑलमोस्ट ये मार्केट तो कवर हो चुकी है, चलता हूँ मैं अपनी बाइक की तरफ। अंदर ले लो ये दुकान है, इस दुकान से लेना है सामान, एक मिनट नहीं खाली सामान लेना है। हो गया पैसा भाई, चलो ले लेता हूँ अपना सामान, लेते और निकलते हैं यहाँ से। डाल दो भाई इसमें, सही है ना एकदम? हाँ सद्दाम भाई बराबर है ना, एकदम परफेक्ट गाड़ी कही है। चलो डाल तो बोलो, लेगा भी भाई, क्यों मैं भी उसको मना कर दिया, परान भी फोन किया था। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। ओके तो इस तरह से अपनी शॉपिंग हो गई, और अभी निकल गए अपन कुर्ला मार्केट से बाहर, जाते आते एक गली का एक शॉट ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कुर्ला मार्केट कैसा है क्या है।
पीछे अगर आप जाते हो, मैं तो बाइक मार्केट में था, पीछे की तरफ अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पर पूरा कार का फोर व्हीलर का मार्केट भी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इधर पे सारे फोर व्हीलर के टायर वगैरह रिम्स वगैरह सब मिल रहे हैं यहाँ पर, तो फोर व्हीलर का भी मार्केट है यहाँ पर। अभी अपन यहाँ से लेफ्ट मार के जाएंगे, लेफ्ट मार के निकलता हूँ मैं, शॉर्टकट मार के सीधा गली में से निकल के अपन जाएंगे साइन से होते हुए वही रूट से जहाँ से आए थे वही रूट से जाएंगे। यही गली से मैं अंदर आया था एक्चुअली। तो ये देखो कहाँ आके रुका हूँ मैं यहाँ पर। बेसिकली इस वक्त दोपहर का ऑलमोस्ट 3 बजने आया है और मैंने आज सुबह से जो मैं घर से निकला हूँ तो आज मैं सुबह से नाश्ता तक नहीं किया हूँ, खाने की तो बात दूर की है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भूख तो बहुत लग रही है बट एक्साइटमेंट के मारे ना मुझे भूख का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं जल्द से जल्द ये बाइक का मेरा कब फिटिंग कराऊं और कब मेरी बाइक को एक नया लुक मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर जोगेश्वरी में बाबा फालूदा पे रुककर एक छोटा सा ट्रीट हो जाए। ये है बाबा फालूदा जो कि जोगेश्वरी में एसपी रोड पर है, आप देख सकते हो इनका मेन्यू है। आइसक्रीम फालूदा आ गया, एक नंबर सही है। मैंने पहले ही बोला था इतना हैवी रहेगा ना ये कि अगर इसको खा लिया तो फिर कम से कम और 2-3 घंटा भूख नहीं लगने वाली है। बाप रे बाप। भाई सुबह से निकला था घर से, नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ 2 कप चाय पिया और उसमें मैंने पूरा मार्केट घुमा हूँ, कुर्ला मार्केट, एंड इट वॉज़ वेरी सनी टुडे। काफ़ी धूप थी आज, गर्मी थी, पानी पीता रहा और 2 कप चाय में पूरा गुजारा। अभी 3 बज रहा है दोपहर का और अभी जाके मैं कुछ खा रहा हूँ और वो है बाबा फालूदा का, बाबा फालूदा का मिक्स आइसक्रीम फालूदा जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो आइए खाते हैं। भाई 3:30 बज गए दोपहर के और अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं घर पे। तो जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोलने जा रहा था, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने भी पहले, मैं जब मार्केट में गया तो सबसे पहले मैं 1-2 दुकानों में मैंने जस्ट टू गेट द नॉलेज कि क्या रेट चल रहा है वो मैं पूछने के लिए गया और मेरा माइंड सेट क्लियर था कि मैं खरीदूँगा नहीं, पहले रेट निकालूँगा। और मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ पता है, जोश जोश में ना और ब्लॉग के एकदम फॉर्म में है ना, एकदम थोड़ा फ्लो में है ना, फ्लो में, और थोड़ा मतलब सामने वाला भी ऐसा अपने को थोड़ा भाव दे रहा होता है तो उस चक्कर में क्या होता है कि मैं जो बोलते हैं ना सामने वाला वो पे करके मैं खरीद लेता हूँ। ऐसे 1-2 बार हुआ है मेरे साथ। तो उसी टाइम मैंने इसलिए मैंने माइंड सेट करके रखा था कि ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, पहले नॉर्मल की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह जाऊँगा, जनरली इंक्वायरी करूँगा, खरीद लूँगा, जब परचेज हो जाएगा उसके बाद ब्लॉग बनना शुरू होगा, ऐसे ही मैंने किया। तो मेन बात ये थी कि आप जब भी जाओगे मार्केट में, कुर्ला मार्केट में, तो 2-3 जगह इंक्वायरी करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली जो मेन शॉप ओनर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजेंट्स लोग भी बहुत घूमते हैं, यस एजेंट्स भी होते हैं जो मैकेनिक होते हैं, और वहाँ पर कुछ लड़के ऐसे घूम रहे होते हैं जो सिर्फ आप लोगों को पकड़ रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए। जब आप उनको बताओगे आपका रिक्वायरमेंट तो वो क्या करेंगे, 2-3 जगह फ़ोन घुमाएंगे। जब वो फ़ोन घुमा रहे इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑलरेडी किसी और से उसी मार्केट के अंदर जो मेन शॉप ओनर्स हैं उनसे बात करते हैं कि भाई ये माल है क्या, वो लोग उनको एक अपना जो माल है वो 100 रुपये के प्रॉफिट में या 200 रुपये के प्रॉफिट में उनको देते हैं। अब वो 100-200 का प्रॉफिट वो दुकान वाला कमा रहा है, उसके ऊपर 500 या 600 का प्रॉफिट वो एजेंट कमा रहा है, मतलब वो जो चीज़ आपको 500 में मिलने वाली है वो 1000 की मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो वही मेरे साथ भी हुआ जब मैंने 1-2 लोगों को पूछा वहाँ पर, इंक्वायरी की मैंने वहाँ पर, तो उन लोगों ने मुझे जो भाव बोला वो जा रहा था अराउंड 4,500 के आसपास, जितना भी सेट मैंने ख़रीदा, पीछे का काउल, मडगार्ड और टेल लाइट। अब जो मुझे भाव पड़ा वो मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा कि कितने का काउल पड़ा, कितने की टेल लाइट पड़ी और कितने का मडगार्ड पड़ा, कंपेयर टू दूसरी साइड ऑफ द स्क्रीन में बता दूंगा
कि मुझे एजेंट के थ्रू या आउटसाइडर जो बाहर जो घूम रहे थे या छोटे छोटे शॉप्स वाले जो थे उनके थ्रू कितने में पड़ रहा था, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कितने पैसे बच गए मेरे। तो इसी तरह से आप भी जब वहाँ पर जाओगे कि थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा बार्गेनिंग करना है अच्छे से, और यही ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट जाके जो मेन शॉप ओनर्स है, बिकॉज हर एक शॉप ओनर्स है ही, पहले भी मैं शॉप ओनर के पास गया था, बट उसी शॉप ओनर से आप अपनी चीज़ परचेस करें जिसके पास वो चीज़ ऑलरेडी उसके खुद के पास अवेलेबल है। ये मेरा सजेशन है, समझ रहे हो। तो कौओं का तो कुछ नहीं कर सकते, वो काँव काँव करते रहेंगे मेरे ब्लॉग में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा आपसे किसी और ब्लॉग में, किसी और सफ़र में, किसी और एडवेंचर पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, जो मैंने फालूदा खाया है वो मैं हमेशा नहीं खाता हूँ। आज वंस इन अ ब्लू मून वाला जो बोलते हैं ना डे होता है, आज वो डे था, इसलिए आज मैंने खा लिया। आप इन सब स्वीट्स वगैरह से थोड़ा अवॉइड करें अपने आप को, थोड़ा बचें, और जितना हो सके हेल्दी खाएं, हेल्दी रहे, फिट रहे। और अगर हेल्दी और फिट रहने के बारे में जानना है तो मेरा फिटनेस वाला चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चेक कर लीजिए, शाकिर खान फिटनेस। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।